अध्याय चौथा श्लोक 21वां। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति कहा गया है। इनका देवता यज्ञ है। मुनियों का देवता उनके हृदय में निवास करता है। मंद बुद्धि वालों के लिए मूर्ति ही देवता होती है। जो व्यक्ति समदर्शी है, जिनकी समान दृष्टि है, वे परमेश्वर को सर्वत्र विद्यमान मानते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विजाति इसलिए माना जाता है कि जन्म के बाद गुरु उनका उपनयन संस्कार करता है। उनके लिए यज्ञ ही उनका देवता है। मुनियों के हृदय में देवताओं का निवास होता है, क्योंकि वह सदैव उनका मनन चिंतन करते रहते हैं। मूर्ति पूजा को यहाँ साधना के प्रारंभिक चरण के लिए आवश्यक माना गया है। जैसे वर्णमाला के माध्यम से फल फूल आदि का ज्ञान विद्यार्थी को कराया जाता है। जो संसार का रहस्य जानते हैं, उनके लिए ईश्वर सर्वव्यापक है। वे संसार के कण-कण में उसे देखते हैं।